हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आज आपको काले चने की अंकुरित चने बनाने की एक विधि बता रही हूँ, जिसे फटाफट आप अंकुरित चने बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीका है ये। देखिए, इतना हमने एक कटोरा इसमें भरकर काला चना लिया है। इसे हमें रात भर पानी में अच्छी तरह से इसे धोकर रात भर पानी में भिंगो कर रख देना है। मैंने पहले से चने भिंगो के रखे हैं। देखिए, ये रात भर हमने अच्छी तरह से धोकर पानी में भिंगोया है। उसके बाद हमने इसे दो बार और धो ली है। तो अब चलिए इसे बताते हैं क्या करना है। कैसा भी स्ट्रेनर हो, आप उसमें इस चने से डाल दीजिए इस तरह से। जब इसकी पानी पूरी तरह से निकल जाएगी, एक से डेढ़ घंटे ऐसे आप छोड़ दीजिए इस तरह से। जब इसकी पानी पूरी तरह से सूख जाएगी, थोड़ी देर के बाद आप इसे इस तरह से पलट लीजिएगा ऐसे, और इस तरह से फैला कर पंखे में रख दीजिए। जब इसकी पानी पूरी तरह से सूख जाएगी, उसके मैं बताती हूँ कि किस तरह से इसे अंकुरित बनाना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए इसे रख देते हैं, जब इसकी पानी सूख जाए फिर बताती हूँ कि किस तरह से इसे स्टोर करेंगे कि इससे अंकुर निकल आएगी। देखिए, हमने इसे एक घंटे पंखे में इस तरह से स्ट्रेनर में डाल के रख दी थी, और इस तरह से हमने पलट दी थी। इसके कारण इसमें पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब हम आपको दो तरह के डब्बे में इसे डालकर मैं दिखाती हूँ। एक मैं स्टील का ली हूँ और एक प्लास्टिक का। यदि आपके पास प्लास्टिक के इस टाइप के डब्बे हैं, एयर टाइट इस तरह के एकदम एयर टाइट डब्बे हैं, तो आप इसमें रख सकते हैं। और यदि नहीं है, तो आप स्टील के डब्बे में भी बंद करके आप इसे रख सकते हैं। तो देखिए, इसे पूरा हमें नहीं भरना है। चने को हमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी खाली ही रखनी है, ताकि इसमें अंकुर अच्छी तरह से निकल जाए। इस तरह से बंद करके इस तरह से हम इसे बंद करके फ्रिज में रख देते हैं। एक से दो दिन में आपकी अंकुर निकल जाएगी। यदि आपको छोटी अंकुर तो कल ही ये एक दिन में ही निकल जाएगी। छोटी छोटी अंकुर इसमें आ जाएगी और दो दिन में अच्छी अंकुरित ये हो जाएगी। तो मैं इसमें भी आपको डालकर दिखाती हूँ। इसमें भी इसी तरह से रख देनी है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी यदि पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यदि आप मेरी रेसिपी को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी, वो आप सबसे पहले उसे देख सकते हैं। इस तरह से देखिए, दो डिब्बे में मैंने आपको डालकर दिखाई। इस तरह से हमें इसे फ्रिज में एक से दो दिन रख देनी। यदि छोटी छोटी अंकुर चाहिए तो आपको कल ही आप इसे यूज़ कर लीजिए, नहीं तो दो दिन के बाद आपको लंबी लंबी अंकुर इसमें निकल जाएगी। कितनी आसानी से इसमें ये चना हमारा अंकुरित हो जाता है। कोई कपड़े में बांधने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। तो चलिए, दो दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कैसी अंकुर निकली है। देखिए, दो दिन हो चुके हैं। मैं आपको फ्रिज में मैं इसे रख दी थी। दो दिन के बाद देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितनी अच्छी तरह से अंकुरित ये हो गई है। देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी इसमें से अंकुर निकल के ये दो दिन में हमारी इस तरह के अंकुर निकल गई है। दो से तीन दिन लगेंगे। और यदि आप जाड़े के दिन में इसे निकालना चाहते हैं, तो आप बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन गर्मियों में यदि आप इस तरह से बाहर रखेंगे, तो उसमें एक स्मेल आ जाएगी और अंकुर भी नहीं निकलेगी। जाड़े में आप बाहर इस तरह के डब्बे में बंद करके बाहर ही रूम टेम्परेचर पर रख कर आप इसे अंकुरित कर सकते हैं चने को। देखिए, तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।